नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में। इससे पहले हमने चर्चा की राष्ट्रीय आय के गणना की उत्पाद विधि, मूल्यवर्धित विधि और आय विधि की। आज हम चर्चा करेंगे अंतिम व्यय विधि अर्थात फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय पक्ष से राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्र के उत्पादन को खरीदने के लिए आवश्यक व्यय के प्रवाह को जोड़कर की जाती है, अर्थात जो राष्ट्रीय उत्पादन हुआ है उसको खरीदने पर क्या धनराशि व्यय हुई है उसका योग ही हमारा राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। हालांकि व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य का आकलन करते समय हमें केवल अंतिम व्यय रिकॉर्ड करना चाहिए, अर्थात हमें मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले सभी खर्चों को इस गणना में शामिल नहीं करना होता है। अंतिम व्यय विधि, जिसे अंतिम उत्पाद विधि के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग एक निश्चित समयावधि के दौरान आर्थिक क्षेत्र के भीतर उपभोक्ताओं, फर्मों और सरकार या विदेशों द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किए गए अंतिम व्यय को मापने के लिए किया जाता है। यह धारणा इस अवधारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय व्यय के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कुल अंतिम व्यय यानी कि टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर को चार व्यापक श्रेणी में विभाजित किया गया है। इसको उपभोग है, निवेश है, सरकारी व्यय है तथा आयात और निर्यात व्यय है। इसमें एक एक करके हम सबको समझते हैं। पहला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण घटक है वो है एक्सपेंडिचर या उपभोग व्यय या खपत व्यय। उपभोग व्यय का तात्पर्य वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के परिवारों द्वारा किए गए सभी खरीदों पर से है या इन पे जो खरीद पर जो व्यय किया जाता है उससे है। इसमें नए घरों पर जो व्यय होता है उसको नहीं गिना जाता है, चूँकि उसको निवेश व्यय के रूप में गिना जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की जिन पर परिवारों द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा व्यय किया जाता है। दूसरी बात, दोहरी गिनती से बचने के लिए पुरानी या यूज्ड कारों की तरह ही सेकंड हैंड वस्तुओं और सामानों की खपत को भी इस गणना से बाहर रखा जाता है। तीसरा, हमें एक वर्ष में बनाए गए सामान और सेवाओं की खरीद को मापना होगा, तो इसमें उसी वर्ष में बनने वाले सामानों को मापते हैं। हमें वर्ष के दौरान होने वाली उनकी वास्तविक खपत या विचाराधीन किसी अन्य अवधि को मापने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कितना उपभोग हो पाया है नहीं हो पाया इससे हमारे को मतलब नहीं है। हमारे को सिर्फ उस वर्ष में कितना खरीदा गया है या जो क्रय किया गया है वह हुआ है उसको देखना है। इसको निम्न घटकों के रूप में समझा जा सकता है उपभोग व्यय को। निजी अंतिम उपभोग व्यय या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें परिवारों द्वारा किए और उपभोक्ताओं को सेवा देने वाले निजी गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा सेवाओं पर खर्च होता है, जिनको हम कहते हैं प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड्स। तो ये PNPISH, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं लेकिन वो बाजार के आधारित नहीं होते हैं। इस प्रकार PFC को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हो गया घरेलू अंतिम उपभोग व्यय यानी कि हाउसहोल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा हो गया PNPISH फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। घरेलू अंतिम उपभोग व्यय के एक देश के उपभोक्ताओं द्वारा उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किए गए वास्तविक और अधिरोपित यानी कि इम्प्यूटेड दोनों व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। वास्तविक धन व्यय के अलावा HFC में धन व्यय के वस्तुओं और सेवाओं का भी मूल्य शामिल किया जाता है। तो यहाँ यह ध्यान रखना है कि यदि स्वउपभोग की वस्तुओं स्व उत्पादन में से स्वउपभोग के लिए कोई वस्तु उपभोक्ता द्वारा रखी जा रही है तो उसका मूल्य भी अर्थात इम्प्यूटेड या निहित मूल्य भी हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त उसमें शामिल करना है। उदाहरण के लिए यदि स्व उत्पादित उत्पादन का स्व उपभोग वाला भाग और वस्तुओं के रूप में प्राप्त हुए उपहार तो उनका अगर वो उपभोग कर रहा है तो उनका मूल्य भी इम्प्यूटेड वैल्यू जो है हम उपभोग व्यय में शामिल करेंगे।
यदि किसी देश के गैर निवासियों द्वारा किया गया व्यय, यानी कि विदेशियों द्वारा किया गया व्यय HFCE में शामिल नहीं किया जाता है, इसमें हमारे केवल हमारे यहाँ के उपभोक्ताओं द्वारा, रेजिडेंट्स के द्वारा जो उपभोग किया जाएगा उसका व्यय शामिल किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय निवासियों द्वारा विदेशों में किए गए खर्च को भी HFCE में शामिल किया जाएगा। तो बाहर हमारे देश के लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर वो खर्च कर रहे हैं, HFCE में उनको भी हम जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार आयात को भी हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि आयात विदेशों से हमारे देश में आते हैं और उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाते हैं, तो उपभोक्ताओं का जो कुछ हिस्सा व्यय का है वो आयातों पर भी खर्च होता है। इसके अलावा HFCE में पूर्व स्वामित्व वाले माल, कचरे, स्क्रैप आदि की बिक्री से जो प्राप्तियाँ शामिल होती हैं या जो राशि प्राप्त होती है उनको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उस वर्ष में उत्पादित वस्तु या सामान नहीं होते। इस प्रकार से HFCE की गणना निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। HFCE बराबर निवासियों द्वारा उपभोग पर धन व्यय एक हिस्सा हो गया, दूसरा उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं के निहित मूल्य या इम्पुटेड वैल्यू, यानी कि जो मुफ्त में मिली है या स्वयं द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं उनका मूल्य हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन पूर्व स्वामित्व वाले सामान, स्क्रैप या कचरे की बिक्री से जो आय प्राप्त होगी उसको हम इसमें माइनस करेंगे, अर्थात उसका मूल्य HFCE में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात दूसरी ओर PNPISH, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, निजी धर्मांतर संस्थान हो सकते हैं, ट्रेड यूनियन हो सकती है, धार्मिक संस्थाएं हो सकती हैं, इनके द्वारा तो व्यय किया जाता है और ये क्या करती हैं, मुफ्त में या नामात्र कीमतों पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ये लाभ के उद्देश्य से कभी भी उत्पादन कार्य नहीं करती है। तो PNPISH ये जो इनके द्वारा जो व्यय किया जाएगा उसका उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के निहित मूल्य तथा कमोडिटी और गैर कमोडिटी बिक्री से जो इनको आय प्राप्त होगी, यानी कि इस प्रकार से इनका जो इनके द्वारा जो मुफ्त में बेची जाएंगी, मुफ्त में जो सप्लाई की जाएंगी वस्तु और सेवा उनका इम्पुटेड वैल्यू, और जो कुछ बिक्री की जाएगी कमोडिटी और गैर कमोडिटी बिक्री उनका मूल्य या जो उनको प्राप्त होता है, तो इन दोनों का योग होगा वो PNPISH FCE या फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो कमोडिटी बिक्री से क्या तात्पर्य है, अर्थात किसी वस्तु या सेवा की ऐसी कीमत वसूल करना जो लागत को कवर करती है, और गैर कमोडिटी बिक्री का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु या सेवा को ऐसी कीमत वसूल करना जिसमें लागत भी कवर नहीं हो पाती है, अर्थात लागत से भी कम कीमत वस्तु और सेवाओं को अगर बिक्री की जाता है समाज हित में तो गैर कमोडिटी बिक्री होता है, और जब लागत के बराबर कीमत रखी जाती है तो उसको कमोडिटी बिक्री कहा जाता है। इसके पश्चात हम दूसरा महत्वपूर्ण तत्व तो बात करते हैं, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार जो पैसा खर्च करती है वो दो श्रेणियों में आता है, एक ट्रांसफ़र पेमेंट या स्थानांतरण भुगतान, ये गवर्नमेंट द्वारा ऐसे भुगतान होते हैं जिनके बदले गवर्नमेंट को ना तो कोई सेवा प्रदान की जाती है ना ही कोई वस्तु की आपूर्ति की जाती है। तो ऐसे भुगतान जो होते हैं वो बिना किसी कार्य के लिए व्यक्तियों को किए जाते हैं, उदाहरण के लिए सेवानिवृत्त लोगों को दी जाने वाली पेंशन। तो पेंशन पाने वाले लोग क्या है कि राज्य के लिए कोई सेवा या कार्य नहीं करते हैं फिर भी उनको पैसा भुगतान किया जाता है, ये हस्तांतरण भुगतान का एक रूप है और इसको GNP का हिस्सा नहीं माना जाता है, क्योंकि उत्पादन से उत्पन्न नहीं होते ना ही इनका उत्पादन में कोई योगदान होता है। लेकिन सामान और सेवाओं के लिए जो सरकारी खर्च होता है उसको GNP में शामिल किया जाता है, जैसे कि रेलवे बोर्ड के लिए एक वैगन की खरीद की जाए अथवा डाक कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले जो वेतन दिया जाता है उसको हम किस में GNP में शामिल करते हैं। इसी तरीके से यदि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को कोई पैसा भुगतान किया जाता है उनको नौकरी के लिए या उनका जो जॉब का सैलरी या पेमेंट वेजेज के रूप में, तो उसको हम राष्ट्रीय में शामिल करेंगे। लेकिन अगर बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तो वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से वर्तमान में जो उत्पादित वस्तु और सेवाओं पर जो केवल सरकारी व्यय को शामिल किया जाता है उसे सरकार व्यय भी कहा जाता है, अर्थात जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वस्तु और सेवाओं के क्रय पर खर्च किया जाता है वो ऐसी वस्तु और सेवाएँ होती हैं जो उनका उपभोग हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाती हैं,
और ऐसी स्थिति में डबल काउंटिंग से बचने के लिए सभी हस्तांतरण व्यय को बाहर रखा जाता है। और लिप्से ने कहा भी है, हम अर्थशास्त्री हैं, कि कारक सेवाओं के बदले उत्पादन के कारकों को और वस्तु और सेवाओं के लिए सभी सरकारी भुगतान को जीडीपी के रूप में गिने जाते हैं। तो यहाँ लिप्से ने कहा है कि जीडीपी के रूप में कौन से सरकारी व्यय शामिल करने हैं, या तो कारक सेवाओं के बदले, यानी कि उत्पादन के साधन जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उनको जो पारिश्रमिक दे रहे हैं या उनका जो क्षतिपूर्ति कर रहे हैं उसको भी जीडीपी में हिस्सा मानेंगे, और वस्तु सेवाओं की खरीद पर जो सरकारी व्यय होता है उसको भी जीडीपी का हिस्सा मानेंगे। उदाहरण के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो पीडीएस या राशन की दुकानों के माध्यम से बीपीएल परिवारों को या गरीब परिवारों को जो राशन वितरण किया जाता है, और उसके लिए जो किसानों से खरीदे गए अनाज हैं या और सामान है उन पर जो सरकारी व्यय होता है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों में जो भी रोजगार पैसे वाले लोग हैं या जो वस्तु और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, दवाइयां हैं, जांचें हैं, इनका सबका जो व्यय है वो जीडीपी का हिस्सा के रूप में गिना जाता है। तो इस प्रकार इसमें नागरिकों को मुफ्त सामान और सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किया गया व्यय होता है उसको हम जीडीपी जीएनपी में शामिल करते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उत्पाद और बिक्री के मूल्य के अंतर के बराबर हो जाएगा। जीएफसी का मतलब आउटपुट का मूल्य माइनस सरकार द्वारा बिक्री का मूल्य। तो सरकार ने जो व्यय किया है वो उनकी खरीद से किया है, और सरकार उनको जो नॉमिनल प्राइस पे बेच रही है, मुक्त प्राइस पे बेच रही है, तो जो नॉमिनल प्राइस को मिल रहा है उसको माइनस करना होता है, वही नेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में होता है। तो यहाँ आउटपुट का मूल्य कैसे लगाते हैं, कि सरकार द्वारा उत्पन्न उत्पादन का मूल्य कैसे दिखाया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया गया है उनकी सेवाओं के बदले उसको जोड़ेंगे, वस्तु और सेवाओं की खरीद पर जो व्यय किया गया है उसको जोड़ेंगे। इसके अलावा स्थायी पूंजी की खपत या फिक्स कैपिटल कंजम्पशन हुआ है, यानी कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के दौरान जो पूंजी हास हुआ है उसको हम इसमें जोड़ लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जुड़ेंगी तो वो बनेंगी सरकार द्वारा उत्पादित उत्पादन का मूल्य कहलाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा बिक्री होगी वो कमोडिटी बिक्री और गैर कमोडिटी बिक्री के रूप में, जैसा कि हमने पहले देखा कि अगर लागत को कवर करती है तो कमोडिटी, और लागत को भी कवर नहीं करती है तो गैर कमोडिटी बिक्री। तो इन दोनों बिक्रियों का जो टोटल होगा वो सरकार द्वारा बिक्री से प्राप्त आय होगी, या सरकार को बिक्री से प्राप्त होने वाला इनकम या राशि के रूप में होगा। तो अब ये दोनों तत्व हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि सरकार द्वारा उत्पादन उत्पादन का मूल्य हो गया या आउटपुट का मूल्य हो गया, वो सरकार द्वारा बिक्री से प्राप्त आय हो गई। तो आउटपुट के मूल्य में से सरकार द्वारा बिक्री को घटाएंगे तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का टॉपिक खत्म हुआ। अब दो महत्वपूर्ण घटक जो है निवेश और नेट एक्सपोर्ट्स या शुद्ध निर्यात, तो इन दोनों तत्वों की चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।